चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, आज सुबह दिल्ली एम्स में लगवाई वैक्सीन। पीएम ने 1 मार्च को ली थी कोवैक्सीन की पहली डोज। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। बैठक में बेकाबू हो रहे कोरोना पर होगी बात। चौबीस घंटे में मिले 1,26,000 से ज्यादा केस, 684 कोरोना मरीजों की हुई मौत, 69,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोविड-19 से अति प्रभावित 13 जिलों की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी ने की समीक्षा। समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कई दिशा निर्देश जारी किए। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक केस मिल रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक है, वहां माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय लें। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित रखने के संबंध में भी समुचित निर्णय लिया जा सकेगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खाद्यान्न आदि के आवागमन को बाधित न किया जाए। सीएम ने कहा कि कई जिलों में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, यहां केस की संख्या अधिक है, हालांकि पॉजिटिविटी दर में गिरावट हुई है। फरुखाबाद में सड़क पार करते समय बाइक से टक्कर, विरोध करने पर बाइक सवार लोगों ने की पिटाई, लाठी और डंडे से की जमकर पिटाई। लखनऊ में नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, 8 अप्रैल रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोरोना नियमों का करना होगा पालन, आवश्यक वस्तु को लाने से ले जाने का छूट होगी। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू रहेगा। ग्रामीण लखनऊ में नहीं लागू होगा नाइट कर्फ्यू, फल सब्जी दूध एलपीजी पेट्रोल डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी, रात में सरकारी अर्ध सरकारी और निजी कर्मचारियों की रहेगी छूट। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले को छूट, लोग अपना टिकट दिखाकर जा सकेंगे, हर तरह के मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में प्रशासन, लखनऊ जीएम ने कोरोना को लेकर जारी किया आदेश, सभी सरकारी संस्थान तत्काल प्रभाव से बंद, 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। बलिया में युवा नेता विवेक सिंह का गंभीर आरोप, जेल में छूटने के बाद पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार, समर्थकों की भीड़ देखकर युवा नेता को किया गिरफ्तार। सीओ पर परिजनों के साथ मारपीट का लगाया आरोप, चालान काटने को लेकर नेता और पुलिस के बीच हुई थी बहस, बहस के बाद पुलिस ने युवा नेता को किया था गिरफ्तार। बहराइच में गोयल ड्रग एजेंसी में लगी आग, करोड़ों रुपए की दवाई जलकर राख, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग से करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका। बुलंदशहर में कोरोना नियमों की उड़ रही खुलेआम धजिया, मेले में नहीं हो रहा कोरोना नियमों का पालन, बिना मास्क मेले में घूम रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया जा रहा पालन, 2 दिन पहले डीएम और एसएसपी ने जारी किया था आदेश। लड़ाई में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की पत्नी ने खाया जहर, 6 महीने पहले हुई थी शादी, परिजनों ने दहेज मांगने का लगाया आरोप, दहेज नहीं देने पर मारपीट का लगाया आरोप।
प्रतापगढ़ में बीजेपी विधायक ने एसपी पर मारपीट का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक के मुताबिक एसपी आवास पर मुलाकात करने गए थे, एसपी पर बीजेपी विधायक ने मारपीट का लगाया आरोप। शामली जिले में भाजपा नेता अश्विनी पवार पर फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि वह फायरिंग पुलिस की एसओजी टीम ने की थी। चार राउंड की फायरिंग में एक गोली भाजपा नेता के परिजन के हाथ में लगी, जबकि तीन गोली कार में जा धसी। फायरिंग के बाद पुलिस ने अश्विनी को हिरासत में लिया। इस घटना से संबंधित एक सीसीटीवी भी सामने आया है। इस पूरे मामले में एसपी शामली सुप्रीति माथव ने कहा है कि जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में चुनाव के बाद आज पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के तीन मेंबर को छोड़कर सभी सदस्य मौजूद रहे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जरफ फारूकी की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड के मेंबरों की सहमति के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें वक्फ बोर्ड की आमदनी को बढ़ाने के साथ उसकी कमाई से हासिल होने वाली रकम को जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंद लोगों की सेहत के लिए खर्च किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर डीएमएसपी ने लगाई जन चौपाल, चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने की अपील। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक। मेरठ में एक परिवार ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि पति और बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के कर्ज और आर्थिक तंगी के चलते परिवार ने ये कदम उठाया। कानपुर देहात में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जारी किए गए क्षेत्र पंचायत के आरक्षण में डीपीआरओ पर रुपए लेकर सीटें बदलने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी के सभी जनपदों में 2015 के आरक्षण सूची जारी कर चुनाव कराने के लिए निर्देश दे दिया है। लेकिन मलासा ब्लॉक से वीडियो द्वारा जारी की गई आरक्षण सूची को डीपीआरओ ने 39 गांव का आरक्षण बदल दिया है। डीपीआरओ द्वारा आरक्षण सूची बदलकर जारी करने की पुष्टि का मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने तीन लोगों को सस्पेंड कर दिया। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ की भूमिका की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना पुलिस ने 31 मार्च को हुए हत्याकांड का खुलासा किया। अवैध संबंध में युवक की हुई थी हत्या। पुलिस के मुताबिक पति के कहने पर पत्नी ने प्रेमी की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पंचायत चुनाव के पहले कच्ची शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं, जिसको लेकर आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। गोरखपुर में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के अवैध ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाकर 110 लीटर कच्ची शराब और लहन बरामद कर नष्ट कर दिया है। शामली में दो युवकों ने की छात्र की पिटाई, युवक को बचाने आए शख्स को भी पीटा। लोगों ने एक आरोपी को मौके से दबोचा। आरोपी युवक के पास से तमंचा बरामद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने तीन बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से 10 बाइक की बरामद। मैनपुरी में मतदाता सूची में नाम ना होने से युवक नाराज। सूची में नाम ना होने से नाराज युवक टावर पर चढ़ा। टावर पर चढ़े युवक को उतारने में जुटी पुलिस। नाराज युवक टावर से नहीं उतर रहा नीचे। बहराइच में तेंदुए का आतंक, गेहूं काट रहे दर्जनों लोगों पर किया हमला। तेंदुए के हमले में कई लोग घायल, घायलों का अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेंदुए को पकड़ने में जुटा वन विभाग।
कानपुर में संदिग्ध परिस्थिति में घर में लगी आग, आग लगने से चार घर जलकर राख हो गए। लाखों रुपए का दहेज का सामान जलकर राख। शादी के लिए परिजन लेकर आए थे दहेज का सामान। नैनीताल में वनाग्नि पर अजय भट्ट ने की बैठक। अजय भट्ट ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। दावानल में हुए नुकसान का लिया फीडबैक। अधिकारी जंगलों में लगी आग पर रखें कड़ी नजर। सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर भी दी सफाई। पौड़ी के किचु ब्लॉक में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है, जहां जंगलों में आग लगाने वाले दो शख्स को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही वन संपदा को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसको लेकर वन विभाग ने सतर्कता बरतते हुए मुखबिर की सूचना पर जंगल में कूड़े जलाने वालों को किया गिरफ्तार। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई। अखाड़े की श्री महंत शैलजानंद गिरी ने बताया कि महिला नागा सन्यासियों की दीक्षा की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। सन्यास के बाद इन महिला सन्यासियों का एक नया जन्म होता है। हल्द्वानी में ऑपरेशन फायर हो सकता है स्थगित। वापस जा सकता है वायुसेना का हेलीकॉप्टर। विजिबिलिटी ना मिलने की वजह से ऑपरेशन में आई दिक्कत। लगातार धुंध छाने की वजह से शून्य हुई विजिबिलिटी। जस्टिस एनवी रमना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस एनवी रमना 24 अप्रैल को शपथ लेंगे। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,15,262 नए मामले आए सामने। वहीं 630 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 55,469 नए केस सामने आए और 297 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। कहा कि 18 साल से ज्यादा के भी लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू किया जाए। कोर्ट के सुझाव के बाद गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया और शादी समारोह में 100 लोगों की शामिल होने का आदेश दिया। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने भारत की जीडीपी 12.5% रहने का अनुमान जताया है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का मार्केट कैप 2,00,000 करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स ने इसकी कीमतों में और इजाफा होने का अनुमान जताया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 61.3 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 20वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। भारतीय रुपए में उनकी नेटवर्थ 4.49 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। डीआरडीओ ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों को उनके साथ मिलकर मिसाइल का विकास और विनिर्माण करने की अनुमति दे दी है। जियो ने 1.497 करोड़ रुपए में स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए भारतीय एयरटेल के साथ समझौता किया है। इस डील के बाद दिल्ली और मुंबई में एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम का यूज कर अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे पाएंगी कंपनी।
आईपीएल पर भी मंडराया कोरोना का साया। मुंबई इंडियंस टीम के विकेट कीपिंग कंसल्टेंट किरण मोरे, वानखेड़े स्टेडियम के दो ग्राउंड स्टाफ और एक प्लम्बर संक्रमित पाए गए। हिमा दास और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दुती चंद्र को पोलैंड के सिलेसिया में होने वाली क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स रिले के लिए भारतीय महिला 4x100 मीटर टीम में चुना गया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम में ऑनलाइन मानसिक अभ्यास कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का आयोजन टारगेट ओलंपिक पोडियम के तहत किया गया है। विदाउट रिमोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी ये फिल्म। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और पत्नी नताशा दलाल ने डोनेट किए 1,00,000 रुपए। अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में पीड़ित लोगों के लिए डोनेट किए। सूत्रों की माने तो ये हादसा लोगलियांग गांव में हुआ था, जिसमें 143 घरों को आग से बहुत नुकसान पहुंचा है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने खरीदी 4.5 करोड़ की लेम्बोर्गिनी उरुस। हाल ही में कोरोना से ठीक होने के बाद खरीदी शानदार कार।